हमने भी पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, कर्ज में डूबे हैं, और जब उनकी नौकरी लग गई तो उन्होंने जो है, आप बताइए बीएससी नर्सिंग का कितना फीस, एक साल का फीस कितना होता है? अब ये आप पढ़ा के अपना घर बेच दिया है, एक साल से पढ़ाया हमें, वो कहने से तो इंसान कुछ भी ब्लेम कर सकता है कितना किया, लेकिन जो किया वो जानता है, वो तो कुछ नहीं किया, एक साल करके नगड़ा हो लेता है। हमें मीडिया पे नहीं आना, बाकी हमें इससे भी चीजें भी नहीं आना, अगर आप लोग नाम अर्जुन सिंह है, मेरी वाइफ सविता मौर्य है, जिनसे हमारा शादी 2017 में हुआ था। 2017 के बाद हमने रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनको बीएससी नर्सिंग करवाया, पढ़ने में ठीक थी तो हमने कहा ये पढ़ लेंगे और कुछ बन जाएंगे तो आगे का भविष्य हमारा भी अच्छा होगा, बच्चों का भी होगा, इनका भी होगा, सबका भविष्य अच्छा होगा। फिर पढ़ाने लिखाने के बाद जब इनकी जॉब लगी है तो ये सुमिता भाई लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है करीब 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल हो गए, तो जब से बने 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही हैं और लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे, और तुम काले हो, नाटे हो, तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे, डिवोर्स चाहिए, बहुत लोगों से दबाव भी बनवाती हैं। इनके माँ और भाई कई बार हमको टॉर्चर किए हैं, कई बार मारे भी हैं, अभी आके हाल ही में लड़ाई झगड़ा भी किए हैं, इनके घर भी हमको बुला के लोग मारे और खुद गलतियां करते हैं और मेरे ऊपर खुद FIR मुकदमे भी करवाते हैं। बीएससी नर्सिंग करवाए, खर्चा का लगभग मतलब पढ़ाई केवल फीस तो लगभग 6-7 लाख रुपए फीस में हमने बर्बाद किया इनके, बाकी रूम का किराया चीजें वो अलग चीजें हैं। अब पैसे का अरेंजमेंट था, कुछ फैमिली के लोग सपोर्ट किए थे, बाकी बाद में सपोर्ट करना बंद हो गया था इनके हरकतों की वजह से, तो हमने कई जगह से कर्जा लेके और फिर हमने इनको पढ़ाया लिखाया है, जो आज आज भी थोड़ा बहुत कर्जा रह गया है जो अभी भी दे रहे हैं।